मैं आपको क्या एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे बोला कि नहीं, अगर हम एक नहीं है, अगर हम यूनाइट नहीं है तो ये हमारे यहाँ बोलने का, भाषण देने का, कुछ करने का कोई मतलब नहीं। मैं बार बार लिखता हूँ सोशल मीडिया पर, केवल यही लिखता हूँ, आप पढ़ते होंगे कि हम एक हो जाए। कास्ट तो कास्ट के अंदर कास्ट हमारा चल रहा है, ये हमको कमजोर लगा है। हम ये नहीं देखें कि ये नेता हमारे कास्ट का है, हम ये देखें कि ये नेता काबिल है, ये नेता सबको लेकर चल रहा है, ये नेता हमारे लिए कुछ कर देगा, इसकी नीयत ठीक है, ये मानवादियों के दबाव में नहीं आएगा, इसने कोई काले कारनामे नहीं किए, ये सब चीज़ें आप कंसिडर करिए। अगर मैंने कोई काला कारनामा किया है तो मैं आपको लड़ाई नहीं लड़ सकता, मेरे को ऑर्डर दिखाते रहे, अभी तक यही हो रहा है। हम कास्ट में लोग मुझे भी कहते हैं कि आप भी बीजेपी के दलाल हो गए, उचित राज के दलाल हो गए। अरे हो गए, पर काम तो आपका कर रहे हैं ना, बीजेपी का कोई काम किया हो किसी ने तो बताइए। हम तो ये है कि अभी उचित राज जी बीजेपी में एमपी हो गए, इसमें कोई आपका नुकसान हुआ है, इसमें आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है। बीएसपी ने एमपी नहीं बनाया तो बीजेपी ने बना दिया, काम तो आपका कर रहे हैं साथियों। 1997 में जब ये परिषद बना था, तब से चश्मदीद का वर्णन आपके सामने, मैं ऑफिस में भी आता था, टाइम जो परिषद को देते थे, हमको अपने इनकम टैक्स के ऑफिस में वहीं बुला देते थे, तो वहाँ भी परिषद का काम होता था, आधा आधा दिन इनका थोड़ा सा खाना था, वो सबके साथ बांट के खा लेते, एक आदमी का खाना तीन दिन चार चार आदमी में इतना इतना खाया, रात को 10-10 बजे तक ये ऑफिस में बैठे रहते, भी बैठे रहते। ये काम जो इतना चल के आया ना, बड़ी तपस्या की, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आज जो आप यहाँ देख रहे हैं, आज जो देश में नाम हो रहा है, ये बरसों की तपस्या का फल है। आज इसको 21 साल होकर के 22 साल हो गए, 22 साल से जो संगठन आपके सामने निष्कंटक चल रहा है, उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, उसके नेता के ऊपर इल्जाम नहीं है, इसलिए ये संगठन इतना बड़ा है। आप इसको और बड़ा कर सकते हैं, मैं बार बार मेरे हर भाषण में कुछ नहीं होता, कोई नई बात मैं बोल नहीं सकता। ये सारे कास्ट के अंदर जो कास्ट हमारी आई हुई है, जो हम कास्ट में नेता चुनते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप नेता देखिए, उसकी कास्ट नहीं देखिए, कास्ट हमारी किसी कोई ठाकुर नहीं है, सारे दलित हैं, और हमारी कास्ट का आदमी हमारे पड़ोस में रह करके भी अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हमारे साथ नहीं दे रहा, हमारे को भोजन नहीं दे रहा है। कास्ट है आप रखिए शादी, क्या तक आप रख लीजिए, मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन लड़ाई में अगर कोई छुड़ाने के लिए कोई हमारा जो भाई आ रहा, वही तो हमारा दोस्त हुआ, वही तो हमारा अपना हुआ। आज उचित राज जी आपके सामने जितना भी बोला और जो मैंने देखा साथियों, और जो भी लिखा है वो अनुभव भी लिखा है, कुछ भी गप्पे नहीं लिखे, अगर ये नहीं है आज देश में तो बताइए फिर कौन है? कोई हमारी आवाज़ ही नहीं उठा रहा है, कोई हमारी बात ही नहीं कर रहा है। एक पहले एमपी हमने देखे होंगे जो अपनी पार्टी के खिलाफ ही हमेशा बोलते रहते हैं, आपके लिए केवल आपके लिए, हमारे लिए अपने फ्यूचर को भी हो जाता है काटने मारते हैं। दूसरा कोई एक आदमी इंडिया में हो तो बताइए कोई नेता हूँ, फिर आपको क्या चाहिए? एक आदमी अपनी परवाह नहीं करते हुए अपने फ्यूचर की, अपनी जात की, अपने, आप देखिए कैसे कैसे लोग हमारे फेसबुक पर हमको लिखते हैं। ये कुछ पार्टियों के जो चमचे हो गए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो जीरो हो गए, उनको इससे कोई मतलब नहीं, उनकी वैल्यू खत्म हो गई है, लेकिन वो क्रिटिसाइज कर करके लोगों को डिस्करेज करते रहते हैं। एक आदमी अगर गलत बात लिखेगा तो 10 आदमी उसको पढ़ करके वो भी डिस्करेज हो जाते हैं, उनका भी उत्साह ठंडा हो जाता है। ऐसे लोगों को हतोत्साहित करिए जो गलत लिखते हैं फेसबुक पर, परिषद के खिलाफ लिखते हैं, उचित राज के खिलाफ लिखते हैं, लोग उस पर आइए निकल करके, तो उसको चुप करिए और सारा समाज मिल करके अपने नेता को आगे बढ़ाइए ताकि देश में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आज आरक्षण की लड़ाई, SC ST एट्रोसिटीज की लड़ाई, या हमारे साथ जो उत्पीड़न होता है, हमारे साथ जो भाई बदलियाबाद छूत होती है, उसी लड़ाई कोई लड़ सकता है तो ये परिषद लड़ सकता है, और परिषद किसके नेतृत्व में लड़ेगा? राज के नेतृत्व। तो उचित राज जी को मजबूत करके आप इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत करेंगे, परिषद को मजबूत करेंगे। आज जो अभी बहस हुई है, जो अभी आरक्षण के रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो मुद्दा उठाया, उनका समर्थन करें, आपके संगठन से सभी ताकत होती थी। अगर आपका परिषद और मजबूत हो जाएगा तो एक तंगे की चोट पर आप कुछ भी टेबल पर बात सकते हैं, कह सकते हैं कि आप ये कीजिए कि तुम्हारा संगठन ये करता। 2 अप्रैल का संगठन, 2 अप्रैल का भारत बंद किसी नेतृत्व बिना हो गया, और आपके पास तो बहुत सॉलिड नेतृत्व है, बहुत सॉलिड लीडरशिप है, तो आप 2 अप्रैल से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य
अपनी जान बचाने के लिए अपने घर पर बैठा है कि आपका दूसरा स्मार्टफोन डूबा हुआ है, उसका साथ देगा आपको क्या मिलेगा? जब हम गांव के साथ धारा के साथ रहेंगे तभी कुछ मिलेगा। आपको ये परिश्रम मिला है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, इसको आपने सींचा है, इसको बढ़ाइए और अपने नेता का साथ दीजिए और ये कास्टिज्म छोड़ दीजिए कि मैं चमार हूँ, मैं चमार को ही आगे बढ़ाऊंगा, मैं आलमी को आगे बढ़ाऊंगा। इससे हम किसी को आगे नहीं बढ़ा रहे, मैं आपकी कान खींच रहा हूँ, मेरी आप मेरे कान खींच रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, हम सब भाई हैं। जब आरक्षण होगा, जब अधिकार होंगे तो सबको आराम से मिल रहे हैं, और है नहीं तो आज बताइए लोग, मेरे बेटा भी घूम रहा है, आपके बेटा भी घूम रहा है, सरकारी नौकरी ही नहीं है तो अब कोई हमारे जाति के संगठन किसी के काम आएगा कभी? हमें जातियों का संगठन नहीं चाहिए, हमको अनुसूचित जाति का संगठन चाहिए। और वो संगठन आपका परिसंग है, उसके लीडर है डॉक्टर दीप राज जी, तो इनको इतना ताकतवर बनाइए कि इनसे सरकार खुद पूछे के बताइए आप क्या चाहते हैं, चाहिए हमको और बताइए आप क्या चाहते हैं। इतना मजबूत संगठन बनाइए, इतनी ताकत कीजिए, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना। इसके साथ मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी इस बात को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए बल्ले गाड़ कर लीजिए, और जो ये फेसबुक पर अपना बोल रही थे आप लोग उसमें आइए, हमने सभी समझ किया हुआ आपको, उनको जो है लोगों को डिस्करेज करिए कि भाई आप ज़्यादा नहीं बोलिए, कुछ समाज के लिए कर सकते हैं तो करिए, लेकिन जो कर रहे हैं उनकी टांग नहीं खींचिए। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।